आज हम लोग अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका बताने वाले हैं। आप दोस्तों हमारे तरीके से बनाएंगे तो ना होगी गले में खराश और ना ही बनाने में होगी झंझट। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर पर आसान तरीके से बना पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं अंकित प्रजापति, अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की बनाना स्टार्ट करते हैं। अरबी के पत्ते बनाने के लिए दोस्तों देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ही पत्ते को काट लिया था और इसको हम लोग 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। और इधर दोस्तों हम लोगों ने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम लोग डाल देंगे लहसुन। तो इसमें हम लोग साबुत लहसुन को ही ऐड किए हैं और इसी में हम लोग सूखा मिर्च है और हरा मिर्च है, तो 2 प्रकार का मिर्च हम लोगों ने ऐड किया है। आप अपने अनुसार से स्पाइसी बढ़ा घटा सकते हैं। और इसी में हम लोग एक खराश ना हो गले में, इसके लिए 3 भरा हुआ मिर्च है, इसको ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हम लोगों का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इतना फाइन पेस्ट बनाना है तो इसको दोस्तों हम लोग एक भगोने में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों सारा पेस्ट हम लोग जो बनाए थे इसी में डाल देंगे। और इधर हम लोग 100 ग्राम ये चावल का आटा लिया है, तो दोस्तों इसमें मोटा पतला कोई भी रहेगा चल जाएगा। और इसी में हम लोग 400 ग्राम ये चने का बेसन लिया है, तो दोस्तों हम लोगों ने चने के बेसन में ही इसको बनाया है, इसमें बहुत परफेक्ट बनता है। और इसी हम लोग 2 चम्मच ये धनिया पाउडर है तो इसको डाल देंगे। और इसी में 2 चम्मच हम लोग हल्दी पाउडर है तो इसको भी ऐड कर देंगे। और इसी में दोस्तों हम लोग 2 चम्मच एक गरम मसाला लिया है, तो आप दोस्तों कोई भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसी में स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग दोस्तों नमक को ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे तरीके से हम लोग गूंथ लेंगे। तो इसका दोस्तों हम लोग एक थिक सा बैटर बनाना है ताकि हम लोग जो पत्ते पर इस पर चिपकाएँ तो अच्छे तरीके से लग जाए। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसका दोस्तों एक हम लोग थिक सा बैटर बना लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसको देखिए जो बैटर है उसको अच्छे तरीके से इस कंसिस्टेंसी तक हम लोगों को इसको फेंटना है। तो हम लोगों का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। और इधर हम लोग एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें पानी को डाल देंगे। तो पानी हम लोगों को आधी कढ़ाई ऐड करना है ताकि हम लोग जब स्टीम करें तो पानी ऊपर ना आए। और एक छन्नी वाली थाली लिया है, इसके ऊपर हम लोग रख देंगे और थोड़ा सा हम लोग कुकिंग ऑयल को लगा देंगे। कुकिंग ऑयल लगाने से दोस्तों ये होगा, जब हम लोग अरबी के पत्ते को रोल को स्टीम करेंगे तो इसमें चिपकेंगे नहीं। और अच्छे से लगाने के बाद इसको कवर कर देंगे और अच्छे से इसमें स्टीम बनने देंगे। और इधर दोस्तों जो हम लोग अरबी पत्ते को साफ करके रखा था, एक एक पत्ते लेंगे और उस पर दोस्तों जो बैटर है अच्छे से हम लोग चिपका देंगे। तो देखिए इसको अच्छे से हम लोग इस पर लेप करना है ताकि हम लोग जब अरबी के पत्ते को एक एक करके इस पर रखें तो अच्छे से लेयर बाय लेयर चिपकता चला जाए। तभी हम लोगों का जो अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और इसका शेप भी बहुत परफेक्ट बनेगा। तो देखिए एक एक करके पत्ते को हम लोग रखते जाएंगे और इस पर जो बैटर है अच्छे से हम लोग चिपकाते जाएंगे। तो देखिए हम लोगों का जो बैटर बना है ना एकदम परफेक्ट बना है, क्योंकि दोस्तों ये पत्ते पर अच्छे तरीके से चिपक जा रहा है। तो दोस्तों अगर घर में ना हो सब्जियां तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और झटपट बन भी जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है। तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम लोग दोस्तों इसी तरह नई नई रेसिपी बनाते रहते हैं। तो देखिए इसको लेयर बाय लेयर हम लोगों ने इतना मोटा लगाया है। अब इसको हम लोग एक साइड से दोस्तों इसको बटोर देंगे और बटोरने के बाद इसको भी थोड़ा सा बैटर लगा करके अच्छे से हम लोग चिपका देंगे। तो दोस्तों किनारे जो हैं इसको चिपकाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग जब रोल करेंगे तो परफेक्ट शेप में आ सकेगा। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग दूसरे साइड का भी जो किनारा है इसको चिपका देंगे। तो बैटर लगाना बहुत ज़रूरी है तभी ये अच्छे से चिपकेंगे। तो देखिए लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। और फिर दोस्तों इसको हम लोग एक साइड से पकड़ लेंगे और पकड़ कर रोल बनाते जाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीका है और आसान भी है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा और इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग इसको पकड़ते जाएंगे और अच्छे से रोल करते जाएंगे। तो है ना बनाना आसान, तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हम लोगों का रोल जो है वो परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग दोस्तों थोड़ा सा जो बैटर है वो किनारे पर लगा देंगे ताकि जो पत्ते अभी निकले हुए हैं उसमें चिपक जाएं।
और दोस्तों जो किनारा होता है उसमें भी हम लोग बैटर को अच्छे से भर देंगे ताकि दोस्तों ये कहीं से खुले ना। तो देखिए हम लोग का जो परफेक्ट जो रोल है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं। तो उसी तरीके से पत्ते पर बैटर को लगाते जाएंगे और इसको चिपकाते जाएंगे। तो बहुत आसान है, आप एक बार घर पर ज़रूर बनाइएगा और दोस्तों फ्रेंड और फैमिली में बात शेयर भी करिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है। तो हम लोगों ने देसी पत्ते से ये अरबी के पकौड़े बनाए हैं। एक दोस्तों आती है थोड़ा सा डार्क कलर होता है उसका भी टेस्ट बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन इसका जो दोस्तों टेस्ट होता है ना वो बहुत ही परफेक्ट होता है। बस आप करिएगा ये कि थोड़ा सा इसमें जो भरा हुआ मिर्च होता है ना उसको डाल देने से गले में खराश नहीं होता है। बहुत लोग इसमें हरे भी डालते हैं, लेकिन दोस्तों हरे डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा भरा मिर्च तो सबके घर में मिल ही जाता है आसानी से। तो आप इसको डालिए और इसको खाइए, बहुत ही परफेक्ट लगता है देसी पत्ते के ये पकौड़े हैं दोस्तों। देखिए इसी तरीके से हम लोग इसको दूसरा भी है इसको रोल कर देंगे और रोल करने के बाद हम लोग देखिए कितना परफेक्ट बना है ना। तो इसको रख देंगे। तो दोस्तों चलिए अब स्टीम कर लेते हैं और देखिए हम लोगों का जो स्टीम है कितना अच्छे तरीके से बन चुका है। तो इसी में हम लोग एक एक करके जो रोल बनाए हैं ना इसी में ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम लोग इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों को स्टीम करते हुए 15 मिनट अभी लगा है और कितना अच्छे तरीके से स्टीम भी हो रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग रख देंगे और 15 मिनट के लिए और स्टीम करेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो अरबी के पत्ते का रोल है वो स्टीम हो चुका है। तो इसको हम लोग एक लकड़ी की सहायता से चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर नहीं चिपक रहा है, यानी कि हम लोगों का जो अरबी के पत्ते के रोल हैं परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम लोग नीचे उतार देंगे और इधर हम लोग फ्राई पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसी में हम लोग जो रोल का पीसेस काटे हैं इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट बन भी जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट है। तो एक बार इस तरीके से घर पर ट्राई ज़रूर करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों जैसे एक साइड का हो जाएगा इसको हम लोग पलट देंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से दूसरे साइड का भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोगों का जो अरबी के पत्ते के पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसको हम लोग एक थाली में निकाल लेंगे और देखिए कितना परफेक्ट बना है और कलर भी कितना परफेक्ट आया है। तो आप इसको एक बार घर पर ट्राई ज़रूर करें और बनता दोस्तों बहुत आसान है। तो देखिए हम लोगों का जो रोल है कितना परफेक्ट बना है और गोल्डन कलर में अच्छे से फ्राई भी हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।